तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको बताने वाला हूँ कि आज हम मास्टर सिलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं फिर से, जो पंप का है। मुझे कमेंट आई थी गाइस कि मास्टर सिलेंडर की ऊपर से यहाँ से ऑयल आ रहा है, तो क्या करें। तो गाइस, सब लोग के पास ऐसे पैसे इतने पैसे नहीं होते, तो कोई मास्टर सिलेंडर नहीं बदलाना चाहता क्या फ्रेंड? क्योंकि गाइस ब्रेक आ रही है, बट कि ऊपर से ऑयल निकल रहा है, तो ऊपर से ऑयल निकल रहा है। और गाइस, कि ऊपर से ऑयल कैसे बंद करें। ओके फ्रेंड, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऊपर से ऑयल कैसे बंद करें। ओके, ने पहली बात कि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा ये काम करे जो आप करने वाले हो। मैं अभी आपको एक जुगाड़ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये पंप बदल सको तो बदलना बदल देना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाला ये काम, ठीक है? ये तो टेम्पररी, कोई किसी को कोई समस्या हो तो इससे काम चलाओ कर लेता है। ओके फ्रेंड, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारा जो पहले नंबर का पिस्टन आता है, ये तो ये ऊपर वाला वाई साले, देखो ये ऐसे लगेगा अंदर, जो स्क्रू वाला भाग है नीचे जाए जाने वाला है, ये ऊपर वाला है, तो यहाँ से ऑयल आ रहा है। तो क्या होता है कि हमारा पंप पुराना हो जाता है, तो ये गाला थोड़ा बड़ा हो जाता है। ओके, तो गाला बड़ा होने से वजह से ये वाई सेल भी नया भी डालो तो भी काम नहीं देता। ओके फ्रेंड, तो आपको करना क्या खबर है, पहले तो आपको ये वाई सेल है, पहले इस वाई सेल को आपको निकाल लेना है एरिया, और दूसरे एक भी वाइसल को नहीं निकालना, आप सभी नवी डाल दो, बट आपको ये नया वाला है ना ऊपर का, और ध्यान रखना कि टूट ना जाए, फट ना जाए, रबर की चीज़ है, ठीक है? हमको ध्यान से निकालना है, अच्छे से निकालो फिर आगे, और ऐसा हो तो ऑयल लगा के भी निकाल सकते हो। तो वाइसल को निकाल ऐसे देखो, और पिस्टन ये दिख रहे हो या ऊपर की तरह एक खांच है ऐसी, ठीक है? इसके अंदर हम जुगाड़ करने वाले एक, तो ठीक है फ्रेंड। तो ये देखो, ये रहा धागा, जो कहीं भी आप कपड़े सिलने में मदद करते ऐसे भी, वो धागा भी आपको चलेगा, ठीक है फ्रेंड? तो ये धागा हम आप ये है ना, आपको यहाँ एक लेयर लगा देनी है धागे से। अब वो सेफलॉन टेप भी लगा सकते हो, जो पाइप की आती है ना, वो गैस के अंदर लगती है, गैस की लाइन के अंदर, वो भी चलेगी, बट कि वो क्या आती है, वो पतली बहुत होती है, इसलिए एक इसकी लेयर नहीं बनती, नहीं बहुत सारी लगानी पड़ती है, इसको आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। इसके लिए इसके करते हैं, इस धागे को एक एक जो जो एक है ना, इसकी एक एक लेयर चढ़ाने के लिए, देखो ये दिखाता आपको, ये देखो लाइन लाइन आपको अच्छे से दूरा ले लेना है, अच्छे से पूरा आपको पूरा है ना, आपकी पूरी लाइन बहुत देनी है इसको अच्छे से। देखो मेरी भी थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको अच्छे से लगाना है, जो यहाँ नीचे थोड़ा थोड़ा रह जाता है, आप पूरी अच्छे से लाइन लगाओ, क्योंकि अच्छे से लगाओगे तो वाइसल भी अंदर टेढ़ा बेढ़ा नहीं बैठेगा, अच्छे से बैठेगा, ठीक है? देखो गाइस, ऐसे लगा लो, और ऐसा लगे कि ज़्यादा है तो निकाल देना, मैं तोड़ लेता हूँ इसको। ओके फ्रेंड, तो ये देखो, और दोनों छेड़े को अंदर ऐसे डाल दो कि दूरा है ही नहीं अंदर, ठीक है? वो तो रबर आएगा उसके ऊपर जो वाइस है, उसी वजह से नहीं आने वाला, बट आपको ऐसे लगाना पड़ेगा ये। ऑयल वाला करके लगाओगे तो भी लग जाएगा, चिपके चिपक जाएगा ना, इसकी वजह से बाहर नहीं आएगा। नहीं देखो, आपको एक लेयर ले लेनी है धागे की, और इसके ऊपर वाइसा लगा देना है। ठीक है, ये देखो, और वाइसा ऐसा टेढ़ा बेढ़ा भी हो सकता है, देखो। हाँ, नहीं देखो, आपको स्क्रू
पेचकस का होगा, इसकी मदद से आप अच्छे से कर लो, ये अच्छे से फिरा लो तो हो जाएगा कम्प्लीटली। देखो गाइस ऐसे गोल गोल फिरा गया पूरा वाइसल, आप कंप्लीट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि आपको एक ही लेयर चढ़ानी है, दो या तीन बार ना लग जाए तो वाइसल बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड, ये देखो ये कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा है आपको, और आपको ये ऑयल वाला करके इस पंप के अंदर डाल देना है। और आपको पंप में भी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है लगाने में, ठीक है, क्योंकि अब ये भाग थोड़ा बाहर आ चुका है, रबर की जो लेयर है वो बाहर जा चुकी है। तो आपको ऐसे रख के, ऐसे उंगली रख के ये आपको फिरा देना है ऐसे डिश में से, क्योंकि नया वाइसल ले तो पुराना है इसके अंदर, इसलिए तरह चला जाएगा। बट आपको नया वाइसल लगाने में पहले ऐसे फिरा देने हैं, उंगली रख के अंदर ऐसे रख के ऐसे दबा प्रेस करना है, ले तुरंत ही चला जाएंगे ऐसे, जो ये चला गया। ओके फ्रेंड, तो यही बताना चाहता हूँ आपको कि आपका मास्टर सिलेंडर के ऊपर से ऑयल आ रहा हो तो कैसे बंद करें, ठीक है। तो एक जुगाड़ है और ये लॉन्ग टाइम तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी आपसे सगवड़ हो जाए वहाँ तक आप बदलना हो, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।